नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका मेरा गांव मेरा देश में। उत्तर प्रदेश सरकार जहां एक तरफ पेयजल योजना के तहत और अमृत योजना के तहत घर घर पानी भेजने का काम कर रही है, तो दूसरी तरफ कानपुर के लोग हैं जो पानी की किल्लत से परेशान है। लोगों का आरोप है कि ठेकेदारों द्वारा पाइपलाइन डालने के बाद भी घरों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। वहीं ठेकेदार और कर्मचारियों पर अवैध वसूली के क्षेत्रवासियों ने आरोप भी लगाए हैं। वहीं कानपुर के अधिकारी या नेताओं से बात की जाती है तो वो टालम टोल करते नजर आते हैं, मगर लोगों की समस्या है जो सुनने के लिए तैयार नहीं है। ताजा मामला कानपुर के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 मछुआ नगर का है, जहां प्रदेश सरकार की तरफ से पेयजल योजना के तहत पाइपलाइन तो डाली गई है, मगर घरों में पीने के पानी की किल्लत झेल रहे लोग का आरोप है कि 2 से 5 हजार रुपए तक लोगों से अवैध वसूली की जा रही है, उसके बाद भी लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। लोग जब अपनी समस्या को लेकर सभासद या विधायक के पास जाते हैं तो उनको केवल आश्वासन ही मिलता है, मगर समस्या का समाधान अब तक नहीं हो पाया है। इसको लेकर कानपुर वासी काफी परेशान है। उन्होंने सीधा आरोप ठेकेदार और कर्मचारियों पर लगाया है और नेता है जो क्षेत्र में से चुनाव के टाइम वोट मांगने के लिए जाते नजर आते हैं, उसके बाद क्षेत्र में देखने भी नहीं जाते। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार पेयजल योजना के तहत अरबों रुपए का बजट जारी कर रही है, मगर जो विभागीय अधिकारी हैं जो सरकार की फजीहत कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। वही 2024 के चुनावों को लेकर बीजेपी सरकार शहर से लेकर गाँव तक अपने 5 साल में किए गए कार्यों का बखान कर रही है। वही दूसरी तरफ कानपुर के वार्ड नंबर 13 मछुआ नगर में शायद माननीयों की नजर नहीं जाती है। अब ऐसे में देखना होगा कि समस्या कब खत्म होगी। आइए आपको सुनवाते हैं इस पूरे मामले पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मैं 2 साल से इसे कभी बीच में दे देते हैं पानी, कभी नहीं देते हैं। और ये जितने नेता हैं सब जब जीतना था तब पैर छूने आते थे, अब जाओ को फोन करो कोई आता ही नहीं है। और इतनी समस्याएं हैं, और हाउस टिकट भी देते हैं, वाटर टैंक भी हम लोग देते हैं, सब कुछ देते हैं। पानी समस्या ये है कि हम तो भाजपा जी के पास जाते हैं, भैया पानी कब आएगा? वो कहते भैया 15 दिन में आ जाएगा, 1 महीने में आ जाएगा। वो लैंड फटी है और इतना पैसा 5-6 हजार रुपए खर्चा करके हम तो क्या मिला, कुछ मिला? मामला यही है पानी के मामले में। हम लोगों को 2 साल से पानी नहीं आ रहा है, और कभी आ गया तो आ गया, नहीं तो अब 2-3 महीने से तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। सब लोग परेशान रहते हैं, बताइए। हम लोग काम करते हैं कि पानी के लिए अब ले बाल्टी भागे फिरते हैं, टैक्स सब पड़ता है, सब कुछ होता है। आपने सुना, उनका साफ तौर पर कहना है कि पेयजल योजना के तहत पाइपलाइन तो बिछाई जा रही है लेकिन पानी अब तक लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान है। उनका सीधे तौर पर आरोप है कि 2000 से 5000 रुपए तक लिए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्हें पीने का पानी नसीब नहीं हो पा रहा है। कानपुर उद्योग नगरी, यहाँ पर हालात इस तरीके के बने हुए हैं कि यहाँ लोगों के पीने के पानी की किल्लत लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अधिकारी हो नेताओं हो, उनसे लगातार बातचीत की गई है लेकिन कोई समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर जहां पर अरबों खरबों रुपए खर्च हो रहे हैं इन योजनाओं के तहत, वहां पर विभागीय अधिकारियों या फिर जनप्रतिनिधियों द्वारा जो पलीता लगाया जा रहा है उसका खामियाजा जनता क्यों भुगते? देखिए, पानी की टंकियां लगी हुई हैं, नल घर घर तक पहुंचे हुए लेकिन इनमें पानी नहीं आता है, महज दिखावटी ये नल रह चुके हैं। तो कानपुर की समस्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। तो कानपुर का ये पूरा मामला है जहां पर लगातार पीने के पानी की समस्या बनी हुई है, जहां एक तरफ सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है कि योजनाओं के तहत लोगों को पानी मिल सके तो उन योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। घर घर तक पानी भेजने का काम लगातार सरकार कर रही है लेकिन कानपुर के लोग हैं जो पानी की किल्लत से लगातार परेशान हैं। लोगों का आरोप है कि ठेकेदारों द्वारा पाइपलाइन डालने के बाद भी घरों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। ठेकेदार कर्मचारियों पर अवैध वसूली के क्षेत्रवासियों ने आरोप भी लगाए हैं। वही कानपुर के अधिकारी या नेताओं से भी बात की जाती है तो वो टालम टोल करते नजर आते हैं, समस्याओं को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। कल्याणपुर के विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 मछुआ नगर का एक पूरा मामला है, जहां प्रदेश सरकार की तरफ से पेयजल योजना के तहत पाइपलाइन तो डाली गई है
मगर घरों में पानी नहीं आ पा रहा है। बुजुर्ग महिलाएं जो है वो मीलों पैदल चलकर पानी लेकर आती हैं, लगातार पानी की किल्लत झेल रहे हैं, ये भी आरोप लग रहे हैं। 2000 से 5000 रुपए तक लोगों से अवैध वसूली की जा रही है, उसके बावजूद भी लोगों को पीने का पानी नहीं दिया जा रहा है। समस्या लगातार बनी हुई, समस्या से कोई निजात नहीं मिल पा रही है। लोग जब अपनी समस्या को लेकर सभासद के पास जाते हैं, विधायक के पास जाते हैं, तो उनको केवल आश्वासन मिलता है मगर समस्या का समाधान नहीं हो पाता। इसको लेकर कानपुर के लोगों का कहना है कि वो काफी ज्यादा परेशान है। वो सीधा आरोप ठेकेदार कर्मचारियों पर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि नेता सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं, चुनाव के टाइम पर आते हैं, लेकिन उसके बाद क्षेत्र में आकर झांकते तक नहीं है कि उनके क्षेत्र के लोगों को पानी मिल रहा है या नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि पेयजल योजना के तहत सरकार जो है अरबों रुपए का बजट जारी कर रही है, मगर विभागीय अधिकारी जो है वो सरकार की फजीहत कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। 2024 के चुनावों को लेकर बीजेपी सरकार शहर से लेकर गांव तक अपने किए गए कामों का बखान कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ कानपुर के वार्ड नंबर 13 मछुआ नगर में शायद माननीयों की नजर नहीं पड़ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुनील कुमार मेरे साथ कानपुर से लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। सुनील, लगातार कानपुर में एक के बाद एक समस्या आ रही है। कभी यहाँ पर सड़कें टूटी रहती हैं, जलभराव की समस्या रहती है, कभी यहाँ पर गंदगी का माहौल बना रहता है, कभी यहाँ पर जो दूषित पानी है उससे लोग परेशान रहते हैं, अब पेयजल से भी लोग परेशान है, पीने का पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है, क्यों, क्या वजह है? अगर कानपुर में अधिकारी जो है क्या वो पूरी तरह से सोए हुए हैं कुंभकर्णी नींद? जी बिल्कुल काजोल जी, आपको बता दें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और केंद्र में मोदी सरकार है, अपने जो उनके जो नेता है उनको पूरी तरीके से गाइडलाइन जारी करते हैं, जो उनके अधिकारी है उनको भी गाइडलाइन जारी करते हैं, मगर उसके बाद में जो कानपुर की समस्या है उसका शायद समाधान नहीं हो पा रहा है। आरोप ये है कि कानपुर में पानी की समस्या हो या सड़क की समस्या हो या बिजली की समस्या हो, तमाम सारी समस्या है जो न्यूज वर्ल्ड इंडिया हर हफ्ते हर दिन एक नए जो भी इस तरीके की असुविधा है वो आए दिन उठाता रहता है, मगर उसके बाद भी जो कानपुर के अधिकारी हैं और नेता हैं उनकी अगर बात करें शायद उनके कानों में जू भी नहीं देता है। जो ताजा मामला है कानपुर के विधानसभा कल्याणपुर का है, वार्ड नंबर 13 का है, यहाँ पर पाइपलाइन जो पेयजल योजना के तहत पाइपलाइन तो डाली गई मगर यहाँ के जो लोग हैं पानी से अभी भी पानी से किल्लत में है, पानी की समस्या है जो बहुत ज्यादा है वहां पर, वहां के लोग बहुत परेशान है। और उसके बाद में उन्होंने सीधा आरोप वहां के ठेकेदारों पर लगाया जिससे 2000 से 5000 रुपए तक लोगों से वसूला गया, मगर उसके बाद भी उनके घरों तक पानी नहीं पहुंचा, तो एक बड़ी समस्या ही पाई जाती है। जी क्या वजह है ये, क्यों पाइपलाइन से पानी नहीं पहुंच पा रहा है? क्योंकि प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, योजनाएं तो पीने के पानी को लेकर दोनों ही सरकारों की तरफ से चल रही है, अगर लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है तो ये जिम्मेदारी किसकी है, वहां के अधिकारियों की है या फिर वहां की जो संस्था है जिसको ये पूरा काम दिया गया है उनकी है? ठेकेदार पैसे भी ले रहे हैं, 2 से 5000 रुपए ले रहे हैं, उसके बावजूद भी पानी नहीं मिल पा रहा है। देखिए टंकियां तो मुझे नजर आ रही है कि नल तो लगाए गए हैं, लेकिन नलों में पानी आता है वो तो नजर नहीं आ रहा है। देखिए अगर कानपुर नगर की समस्या की बात करें तो कानपुर की समस्या है ये हल करने के लिए कानपुर जो पार्षद होते हैं उसके बाद में जो कानपुर मेयर होती है इनकी जिम्मेदारी मानी जाती है, उसके बाद में अगर अधिकारियों की बात करें तो डीएम या और भी अधिकारी अन्य अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी मानी जाती है, मगर यहाँ पर चाहे कानपुर डीएम की बात करें या मेयर की बात करें या सभासद की बात करें, जो क्षेत्रीय लोग हैं उन्होंने पूरी तरीके से आरोप लगाया है कि यहाँ पर पूरी तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, जो आई हुई रकम सरकार की तरफ से भारी भरकम बजट लागू होता है उस पे बंदरबांट हुआ है। यही कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने 2 से 5000 रुपए दिए, उसके बाद भी पानी की समस्या है उनके जस की तस बनी हुई है। पानी की जो समस्या है लोगों के घरों में पानी अभी तक नहीं पहुंचा है, उसके बाद में उन्होंने उच्च अधिकारियों से भी अपनी गुहार लगाई है मगर उसके बाद में अभी आश्वासन सिर्फ मिला है मगर समस्या का समाधान अभी भी नहीं हुआ है। जी सुनील, लेकिन सवाल ये भी है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए जो सड़कें पूरी तरह से खोद दी गई थी वो पूरी खराब हो गई है, इस तरफ बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में जलभराव की समस्या भी लगातार बनी हुई है, एक तरफ तो लोग पीने के पानी के लिए परेशान है, दूसरी तरफ अब घर से बाहर निकलने के भी परेशान हो रहे हैं, दो दो समस्या लोगों के सामने। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल यही बात है, एक तरफ अगर पानी की समस्या की बात करें तो पानी की समस्या से निजात तो नहीं मिल पाया लोगों को, दूसरी तरफ जो वहां की सड़कें हैं पूरी तरीके से खोद दी गई हैं, बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश के मौसम में जो सड़कें हैं पानी से दलदल में फंस जाती है और दलदल में फंस के लोग रोज चोटिल होते हैं, गिरते हैं, तमाम तरीके की दिक्कतें होती है, मगर जो कानपुर का प्रशासन है, कानपुर के जो नेता है, बीजेपी के नेतागण है, शायद उनकी नजर उस पर नहीं जाती है, तो वहां पे क्षेत्र का जनता का आरोप है कि इस तरीके यहाँ पे नेता वोटों के टाइम पे वोट मांगने या चुनाव के टाइम पे वोट मांगने के टाइम पे आते हैं मगर उसके बाद में जीतने के बाद में जो कुर्सी मिल जाती है तो शायद वो एसी की हवा खाते हैं, तो एक बड़ा आरोप है वहां की जनता का।
सुनील, क्या आपकी बात हो पाई है? जो यहाँ से पार्षद हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, और जो यहाँ के मेयर हैं उनसे क्या आपकी बात हो पाई है? जी आपको बता दें काजोल जी, इस तरीके से हमने कई बार फोन किया। खुशबू हमारे साथ जुड़ी है फोन लाइन पे। खुशबू, क्या समस्या है आपकी, क्या कुछ दिक्कतें आ रही है? आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है खुशबू। खुशबू की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, हम दोबारा से उन्हें फोन मिलाएंगे। मैं अभी सहयोगी का रुख करूंगी अपने। सुनील, देखिए क्या आपकी बात हो पाई है? जो मेयर है, जो यहाँ से सभासद है, पार्षद है, क्या कहना है उनका, क्योंकि लोगों की तो नहीं सुन रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें मेयर की बात करें तो मेयर को हमने कई बार फोन मिलाया, मगर मेयर साहिबा का जो फोन नहीं उठता है। तो एक बड़ा आरोप है मेयर साहिबा की बात करें या कानपुर डीएम की बात करें, तो पहली बात उनको जो फोन मिला था, पहली बात तो फोन नहीं उठाते हैं, तो जनता का आरोप है। उसके बाद में मेरा भी आरोप है कि जिस तरीके से फोन नहीं उठाते, अगर कोई समस्या है, क्षेत्र की समस्या है, क्षेत्र के लोग समस्या लेके अगर मेयर के पास जाएंगे तो मेयर समाधान नहीं करेगा, उसके बाद में डीएम के पास जाएंगे, डीएम समाधान नहीं करेंगे, तो और कौन वहाँ का समस्या का समाधान करेगा? साथ जुड़ गई है खुशबू, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? समाधान करता ही नहीं ना, वोट मांगने चले आते हैं, जब गद्दी मिल जाती है तो फिर ऐसी की हवा खाते हैं ठंडी ठंडी। तो कितने दिनों से समस्या बनी हुई है खुशबू, पीने के पानी की? कितने दिनों से आपको पानी नहीं मिल पा रहा है? जी काफी दिन से नहीं मिल रहा, पैसा भी ले लिया है काफी, और पाइपलाइन भी बिछवा लिया, सब करवा लिया, हैंड पंप भी इन लोग कब्जा करे हुए हैं। यहाँ पे समझ लीजिए बिल्कुल भी पानी के नाम पे कुछ है ही नहीं, और गंगा बराज पास में है और पानी के नाम पे यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो आपने कोई शिकायत की इस पूरे मामले को लेकर? काफी शिकायत करी, सब कुछ किया, मगर यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है। जो यहाँ से पार्षद हैं, क्या उनसे आपकी बात हुई है, क्या कहना है उनका? उनसे भी बात हुई थी, बोले कि एक महीने में आ जाएगा, दो महीने में आ जाएगा। तो अभी फिर पानी की पूर्ति आप लोग कहाँ से कर रहे हैं? पानी की पूर्ति हम लोग यहाँ पे लेते हैं, जो जिनके यहाँ समर सेबिल है उनको 1000 रुपए महीना देते हैं, तो लेते हैं वो भी दो दिन में एक बार पानी। पहले ठेकेदार को पैसे दिए, अब जिनके यहाँ से पानी आप ले रहे हैं उनको भी पैसे देने पड़ रहे हैं? उनको भी पैसे देते हैं और वो भी दो दिन में एक बार पानी भरते हैं, महीने में 2-15 दिन पानी भरते हैं। और कितने ऐसे परिवार हैं जिनको पानी नहीं मिल पा रहा है खुशबू? परिवार में तो सोचिए, देखिए यहाँ पूरे मोहल्ले में पानी नहीं ना, जिनके यहाँ समर से भी ले बस उन्हीं के यहाँ पानी है। यानी हजारों की संख्या होगी लोगों की जिनको पानी नहीं मिल पा रहा है? काफी सब है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही पानी की, तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम। कभी मेयर साहिबा यहाँ आई है राउंड मारने के लिए, निरीक्षण करने के लिए, देखने के लिए? कभी नहीं, मेयर साहिबा तो कभी नहीं है, पार्षद जी से कहो तो बोलते हैं 1 महीने में आएगा, 2 महीने में आएगा बस। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमें अपनी समस्या बताने के लिए। सुनील खुशबू स्थानीय निवासी हमारे साथ जुड़ी थी, उनका साफ तौर पर कहना है कि ठेकेदार ने एक तरफ पैसे ले लिए हैं, पानी फिर भी नहीं आ रहा है। पार्षद से जब बात करते हैं तो पार्षद कहते हैं कि अभी 1 महीना लगेगा, तो ऐसे में लोगों को क्या करना पड़ रहा है? सुनील, लोग पड़ोसियों से जिनके यहाँ पर उन्होंने पर्सनल अपना समर सेविल कराया हुआ है, उस समर सेविल से वो पानी ले रहे हैं, उनको भी पैसा दे रहे हैं, यानी कि आम जनता पूरी तरह से परेशान है, सिर्फ पैसे जा रहे हैं, पानी नहीं मिल पा रहा है, मुसीबत जस की तस है। देखिए कानपुर की अगर समस्या की बात करें तो कानपुर स्मार्ट सिटी है, उसके बाद में कानपुर उद्योग नगरी भी कहलाती है, मगर जहां भी जो समस्या है, चाहे पानी की समस्या की बात करें या सड़क की समस्या की बात करें, वार्ड नंबर 13 है, यहां पर सबसे ज्यादा पानी से लोग परेशान है, क्योंकि पानी की किल्लत है, गर्मी का मौसम है और पानी हर आदमी को जरूरत है, चाहे सुबह नहाने जाने को, क्योंकि जो मिडिल क्लास के लोग हैं सुबह उठते हैं तो पानी की जरूरत पड़ती है, उसके बाद में दिन में पानी पीने की जरूरत पड़ती है, तो तमाम तरीके की समस्या है जो पानी से निजात नहीं मिल पा रही है। वहां के लोग हैं जो कुछ लोग गिने चुने लोग हैं जिनके घर में समर सेविल लगी हुई है, मगर वो लोग भी कब तक पानी देंगे? उसके बाद में लाइट की समस्या हो जाती है, शायद मौके पर उनको पानी नहीं मिल पाता है। तो वहां के जो अधिकारीगण की बात करें, उसके बाद में जो वहां पे पार्षद की बात करें या मेयर साहिबा की बात करें, शायद उनकी वहां पे नजर नहीं जाती, और ऐसे क्षेत्रों में वोट लेने के टाइम तो पार्षद है यहाँ से वीरेंद्र लाला, उनसे भी हम फोन कर रहे हैं, बातचीत करेंगे कि आखिर इस समस्या का समाधान वो किस तरह से निकाल रहे हैं। तो पार्षद है वीरेंद्र लाला, उनको भी हम फोन मिला रहे हैं, उम्मीद है कि फोन उठाएंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस समस्या क्यों बनी हुई है और आप क्या एक्शन ले रहे हैं, इस पर जिम्मेदारी पार्षद की है अपने पूरे इलाके की।
फोन नहीं उठाया गया। सुनील, हमने पार्षद को भी फोन किया है लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे हैं। क्या ऐसे यहाँ पर जो जिम्मेदार है वो फोन नहीं उठाते हैं? देखिए, यही आरोप है जो कानपुर के जो सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है, योगी सरकार, बड़े बड़े दावे करती है, जो उनके अपने नेता है उनको बड़ी बड़ी गाइडलाइने जारी करती है, तमाम तरीके की गाइडलाइन जारी होते, चाहे उनके अधिकारी हो या उनके नेता हो, सभासद की बात करें या मेयर की बात करें। पहली बात तो ये है, इनका फोन नहीं उठता है। फोन नहीं उठता है अगर समस्या का समाधान है, क्षेत्र की अगर जनता है, पार्षद को अपना नेता बनाती है, नेता इसीलिए बनाती है कि क्षेत्र की समस्या है, समस्या का समाधान हो। मगर कानपुर के वार्ड नंबर 13 का है, जहाँ पे वीरेंद्र लाला यहाँ पे जो पार्षद हैं, शायद ये ना तो क्षेत्र में जाते हैं, और लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में ना जाने के बाद उसके बाद में जो समस्या बनी है उनके समस्या का समाधान भी नहीं होता है। तो वहाँ के लोग सीधा आरोप लगाते हैं पार्षद के ऊपर, जो कानपुर मेयर साहिबा है प्रमिला पांडे उनके ऊपर। उसके बाद में उन्होंने नगर आयुक्त से भी शिकायत किया है, मगर नगर आयुक्त है शायद उनको भी नहीं समझ में आता यहाँ की समस्या के बारे में, उनको शायद वो अनदेखी करते नजर आ रहे हैं। ये जो समस्या है, पुलिस की शिकायत क्या सीएम पोर्टल पर की गई है? अब तो यहाँ पर जनता दरबार भी लग रहे हैं, समाधान दिवस भी लग रहा है, क्या उसमें इस पूरे मसले को उठाया गया है? कोई शिकायत की गई है? कोई आश्वासन मिला हो? देखिए, आपको बताएं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार है, योगी सरकार की बात करें तो गरीबों के मसीहा कहलाते हैं, मगर उसके बाद में यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग हैं जो वार्ड नंबर 13 में कानपुर, जो विष्णुपुरी है और मछुआ नगर है, ये पूरी तरीके से पानी की समस्या से परेशान है। पानी की समस्या है जो वहां से लोगों को निजात नहीं मिल रही है, लोग हैं परेशान है, काफी लोग आपने देखा है विरोध प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद में किलोमीटर दूरी से वो लोग पानी लेके आते हैं, मगर पानी समय से उनको नहीं मिल पाता है। और सीएम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री पूरी तरीके से गाइडलाइन जारी करते हैं, चाहे पानी की सुविधा हो या सड़क की सुविधा हो, पेयजल योजना के तहत करोड़ों रुपए का भारी भरकम बजट जारी होता है, मगर उसके बाद में कुछ परिवार ऐसे हैं जो शायद पानी से अभी भी तड़प रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की सरकार को, मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए, जो इस तरीके के अधिकारी हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, जो इनके नेता हैं इनके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। मगर शायद सत्ता में बैठ के जो इनके नेता हैं वो पूरी तरीके से वोट लेने के टाइम में जो है कि क्षेत्र में जाते हैं, उसके बाद में शायद 5 साल पूरी तरीके से अपना राजयोग पूरी तरीके से तब्दील कर देते हैं, शायद जनता की समस्या है, जनता की समस्या को निजात दिलाने के लिए नहीं जाते हैं। तो यही आरोप है सीधा जनता का वहां का। इस वार्ड के जो लोग हैं, पेयजल की समस्या के अलावा और क्या समस्या यहां पर बनी हुई है? और देखिए, हमारी जिम्मेदारी है इस तरह की समस्याओं को उजागर करना, ताकि जिनकी जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं इस पर एक्शन लें। सुनील, मैं आपका रुख करूंगी, राजेश कश्यप है, स्थानीय निवासी है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, क्या समस्या है आपकी और क्या समाधान अभी तक किसी भी अधिकारी की तरफ से निकल पाया है या कोई आश्वासन मिल पाया है? नहीं मैडम, एक्चुअली हमने जीएम से भी बात करी, एसडीओ से भी बात करी और जेई से भी बात करी, वो हर बार कहते हैं कि जो वहाँ का लाइनमैन है उनसे बात करिए, और लाइनमैन हमारे यहाँ का बादशाही हुआ आता है, हर बार वो कहेगा भैया हम चालू कर देते हैं, और पंप पे जाते हैं, पंप पे आश्वासन नहीं मिलता, भैया दोनों मोटर हमारी चल रही है, और लाइनमैन जो वो बादशाही है वो कहीं ना कहीं से मोबाइल बंद कर देता है, और जेई से बोलते हैं वो कहते हैं भैया आएंगे नई लाइन पड़ेंगे, अभी उन्होंने खुदवा के लाइन भी डलवाई, फिर भी कम से कम अभी मार्च भर जब इलेक्शन नहीं था उससे पहले तो काफी पानी आया उसी लाइन में, और जैसे इलेक्शन खत्म हुआ पानी फिर खत्म हो गया, 3 महीने से पानी की कोई एक बूंद तक नहीं आई है। तो फिर आप लोग कैसे प्रेशर आता ही नहीं कैसे है पानी और का हम लोगों ने पूरी तरीके से इंतजाम कर रहे हैं? हम लोगों ने पार्षद जी को एक बार नहीं 10 बार लाके खड़ा किया कि पार्षद जी देखिए आके, बहन जी से भी कहा, नीलिमा कटियार जी जो हैं उनसे भी कहा, हर बार आश्वासन मिलता है बस, और कहीं ये लाइन फॉल्ट है उसके कारण पानी बंद है, कहीं वो लाइन फॉल्ट है, 3 महीने से तो हम लोग पानी के लिए एकदम, ये तो कहो इतनी अगल बगल बोरिंग है तो इस वजह से काम चल जाता है समरसेबल, और हर बार कहो किसी न किसी, यहाँ तक हमने जीएम से भी कई बार, जो गुप्ता जी थे उनसे भी हमने बातचीत करी, और मोहल्ले में कितने बार से हर जगह आपने शिकायत पहुँचाई है लेकिन कहीं से कोई समाधान नहीं मिला है, कोई आश्वासन नहीं मिला। हाँ चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनील, एक और स्थानीय निवासी हमारे साथ जुड़े थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि जब चुनाव हो रहे थे, जब ये निगम निकाय चुनाव हुए थे तब उस समय तो काफी ज्यादा पानी आ रहा था उनके पूरे इलाके में, लेकिन उसके बाद से पानी आना बंद हो गया, यानी कि सिर्फ ये महज दिखावा था वोट पाने के लिए।
जी बिल्कुल यही बात करें, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी जो नेता है और जो उनके अधिकारी है उनको हर बार 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 गाइडलाइन जारी करती है और तमाम तरीके की समस्या का समाधान करने के लिए बोलती है, तो उस समय जिस समय चुनाव होता है वो एक दिखावा ही कह सकते हैं उसको, वो दिखावा करते हैं कि समस्या का चाहे वित्त पक्ष हो या विपक्ष हो, तमाम तरीके के नेता है जो घर घर जाते हैं लोगों को तमाम तरीके के विश्वास दिलाते हैं, मगर उसके बाद में जैसे भी चुनाव हो जाते, चुनाव होने के बाद में जो समस्या है जस की तस बनी हुई है मगर उसका समाधान कोई नहीं होता, तो वहां पे क्षेत्र के लोगों का पूरी तरीके से आरोप है, जो आरोप लगा रहे हैं आप विजुअल्स में देख सकते हैं पूरी तरीके से कितना आक्रोशित लोग हैं वहां के, जो पानी की समस्या को लेके परेशान है, मगर जो समस्या का समाधान है वो शायद अभी भी नहीं हो पाया। इस तरफ ना तो कोई नेता की नजर जाती है, ना तो कानपुर के जो अधिकारी है उनकी शायद नजर नहीं जाती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो अपने जो नेताओं को गाइडलाइन जारी करते हैं, शायद गाइडलाइन भी पूरी तरीके से वो ऐसे ही जारी हो जाते हैं, शायद धरातल पे कुछ नहीं उतरता है। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुनील, इस पूरी खबर पर आप नजर बनाकर रखेगा, अपडेट लगातार लेते रहेंगे। तो कानपुर का एक पूरा मामला है जिसमें कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां पर पीने के पानी की किल्लत लगातार बनी हुई है, जिसकी वजह से आम जनता परेशान है, हर जगह शिकायत कर ली उसके बावजूद भी कोई समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया है और कोशिश की है अधिकारियों से भी बातचीत करने की, जो वहाँ के पार्षद है उनसे भी बातचीत करने की, उम्मीद है कि कोई ना कोई समाधान इसका जरूर निकलेगा। फिलहाल तो इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।